बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमले के पहले ही अलर्ट मिला था, हमले में ईरान का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। बड़ी खबर, सीक्रेट सर्विस को पहले अलर्ट दिया गया था, हमले के डर से सुरक्षा बढ़ाई भी गई थी, लेकिन ये हमला डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। 0.5 सेकंड से ये गोली उनके कान को छेदती हुई निकल गई। हमले में ईरान के हाथ होने का शक सीक्रेट सर्विस को पहले अलर्ट किया गया था, हमले के डर से सुरक्षा बढ़ाई गई। ट्रंप पर हमले को लेकर एक बड़ा अलर्ट पहले ही दिया जा चुका था, सीक्रेट सर्विस को यह अलर्ट दिया जा चुका था, और इसके बावजूद अगर हमलावर अपना काम करने में सफल रहा तो इसका मतलब यह कि सीक्रेट सर्विस की तैयारी पुख्ता नहीं थी। गोली लगने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ अपने कान पर लिया लगाया और उसके बाद उनको समझ में आया खून हाथ में लगा देखकर कि कुछ ऐसा है जो उन्हें लगा है, और वो तुरंत तेजी से नीचे झुके। उनके पीछे की तस्वीर अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर लोग भी फायर शॉट्स के बाद इधर उधर छुपते नजर आए। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमले में ईरान का हाथ होने का अलर्ट है, और ये अलर्ट सीक्रेट सर्विस को भी मिला था। पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा के हकदार थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस यहां पर चूक गई और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया। सिर्फ 0.5 सेकंड के समय से डोनाल्ड ट्रंप की जो गर्दन घूमी है उसमें वो गोली जो उनके शायद सिर में लग सकती थी वो कान को छेदते हुए निकल गई। और अब बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर उपचुनाव पर योगी आदित्यनाथ का मंथन आज होने वाला है। उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बड़ी बैठक करने वाले